नमस्ते। इंग्लिश के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम नाउन की पढ़ाई जारी रखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेंडर, जिसे हिंदी में लिंग कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर टाइप्स, यानी लिंग के प्रकार। तो पहला प्रकार है मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग, जिसका अर्थ है अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल, यानी एक ऐसा नाउन जिससे एक पुरुष प्राणी का बोध होता है। तो इसके उदाहरण है बॉय यानी लड़का, लायन यानी सिंह, ब्रदर यानी भाई, हॉर्स यानी घोड़ा। फिर होता है फेमिनिन जेंडर, जो है स्त्रीलिंग, जिसका अर्थ है अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, यानी एक ऐसा नाम जो किसी स्त्री प्राणी का बोध करता है। तो इसके उदाहरण है गर्ल यानी लड़की, लायनस यानी सिंहनी, सिस्टर यानी बहन, मेर यानी घोड़ी। फिर आता है कॉमन जेंडर। अब ऐसा जेंडर का प्रकार हिंदी में नहीं पाया जाता, तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है इंग्लिश और हिंदी के बीच। तो इसका अर्थ है अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल एनिमल, यानी एक ऐसा नाउन जिससे या तो किसी पुरुष या तो किसी स्त्री का बोध होता है। तो इसके उदाहरण है पेरेंट्स यानी माँ बाप, चाइल्ड यानी बच्चा या बच्ची, थीफ यानी चोर या चोरनी। तो इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और अंत में आता है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। तो यह एक ऐसा नाउन है जिससे किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है जो ना तो पुरुष है ना स्त्री है। तो इसके उदाहरण है बुक यानी किताब, टॉय यानी खिलौना, बस वगैरह वगैरह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर के थोड़े उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है लायन यानी सिंह, फिर है बुल यानी बैल, फिर बॉय यानी लड़का, किंग यानी राजा। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे शब्दों से किसी पुरुष प्राणी का वर्णन होता है, और इसीलिए इन सबको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर के कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण है लायनेस यानी सिंहनी। तो मैस्कुलिन जेंडर में हमने पहला उदाहरण देखा था लायन यानी सिंह, तो उसके अनुरूप फेमिनिन जेंडर का उदाहरण बनता है लायनेस। वैसे ही अगला उदाहरण है काव यानी गाय, जो बैल का स्त्रीलिंग है। फिर है गर्ल यानी लड़की, जो लड़के का स्त्रीलिंग होता है। और फिर है क्वीन यानी रानी, जो राजा का स्त्रीलिंग होता है। तो अब ये सारे शब्द लायनस, काउ, गर्ल, क्वीन, ये सब किसी स्त्री प्राणी का वर्णन करते हैं, तो इसीलिए इन्हें फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कॉमन जेंडर। तो जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन जेंडर एक ऐसा जेंडर है जिससे या तो किसी पुरुष या किसी स्त्री प्राणी का बोध होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कॉमन जेंडर का कोई शब्द बताऊं, तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि मैं किसी पुरुष की बात कर रहा हूं या किसी स्त्री की बात कर रहा हूं। तो उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्क्रीन पर आपको बाई तरफ एक बच्ची दिख रही है और दाई तरफ एक बच्चा दिख रहा है। अब हिंदी में तो बच्ची और बच्चा ये दो अलग-अलग शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द है चाइल्ड, जिससे या तो बच्ची का बोध होता है या बच्चे का बोध होता है। इसका मतलब है अगर मैं चाइल्ड बोलता हूँ तो मैं शायद बच्ची की बात कर रहा हूँ या शायद बच्चे की बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही पर्सन का मतलब आदमी भी हो सकता है या महिला भी हो सकता है, और स्टूडेंट उसका अर्थ छात्र भी हो सकता है और छात्रा भी हो सकता है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे या तो किसी स्त्री
स्त्री प्राणी का बोध होता है या किसी पुरुष प्राणी का बोध होता है, और इन शब्दों को कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए अब जेंडर का आखिरी प्रकार जो है नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर, उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है ट्री यानी वृक्ष, दूसरा उदाहरण है लैम्प यानी चिराग, फिर पेन यानी कलम, हाउस यानी घर, बुक यानी किताब। तो आपको इस चीज को समझने में शायद थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हिंदी में हम निर्जीव चीजों को भी लिंग दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूं मेरी किताब, ऐसा नहीं मेरा किताब, तो इसका अर्थ है मैं किताब को स्त्रीलिंग कह रहा हूं। वैसे ही मैं कह रहा हूं मेरा घर, तो मैं घर को पुल्लिंग कहता हूं। लेकिन अंग्रेजी में इन शब्दों को ना तो पुल्लिंग कहा जाता है ना स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो ज्यादातर निर्जीव चीजों को अंग्रेजी में न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह काफी महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के तरीके। तो अगर मैंने आपको पुल्लिंग शब्द दिया है और आपको उसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो आप कैसे करेंगे? वैसे इसका कोई नियम नहीं है जो मैंने आपको बता दिया और फिर आप हर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना सकेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े शब्द एक नियम का पालन करते हैं, थोड़े शब्द कोई और नियम का पालन करते हैं, और थोड़े शब्द हैं जो कोई नियम का पालन नहीं करते। तो मैं आपको हर कैटेगरी के शब्दों के थोड़े उदाहरण दूंगा। पहले नियम का पालन करने वाले शब्दों का उदाहरण, दूसरे नियम का पालन करने वाले शब्दों का उदाहरण, और सब नियम की जानकारी होने के बाद आगे चल के आप अनुमान लगा पाएंगे कि अगर आपको कोई पुल्लिंग दिया तो उसका स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो शब्द जो कोई भी नियम का पालन नहीं करते, यानी ऐसे शब्द जिनके स्त्रीलिंग एक पूरी तरह से अलग शब्द का उपयोग करके बनाए जाते हैं, यानी यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड यानी पति, वाइफ यानी पत्नी। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एकदम अलग शब्द है, उन दोनों के बीच कोई पैटर्न नहीं है। तो यह एक उदाहरण है जिसमें हम स्त्रीलिंग एक पूरी तरह से अलग शब्द का उपयोग करके बनाते हैं। फिर है मदर और फादर, मदर यानी माँ, फादर यानी पिता। तो यहाँ मदर और फादर एकदम अलग शब्द है, और नीचे ही सन और डॉटर, सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी। तो सन और डॉटर भी एकदम अलग शब्द है। तो इस कैटेगरी के तो उदाहरण हमने देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका है बाय एडिंग अ सिलेबल, यानी एक शब्दांश जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। तो इसके भी कुछ तीन तरीके हैं। तो पहला तरीका है पुल्लिंग में ई एस एस जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है लायन यानी सिंह, उसका फेमिनिन होता है लायनेस यानी सिंहनी। फिर पोएट यानी कवि, उसका फेमिनिन पोएटेस यानी कवियत्री। फिर ऑथर यानी लेखक, उसका फेमिनिन ऑथरेस यानी लेखिका। और एयर यानी उत्तराधिकारी, उसका फेमिनिन एयरेस यानी उत्तराधिकारिणी। यहाँ पे एयर का स्पेलिंग है HEIR, लेकिन वो एच साइलेंट होता है, यानी वो बोलते नहीं हम लोग, तो इसलिए इसको बोला जाता है एयर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका है ESS आफ्टर ड्रॉपिंग अ वॉवल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग, यानी पुल्लिंग शब्द के अंत में जो वॉवल होता है उसे हटाओ और फिर ESS लगाओ। तो पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि वॉवेल्स कौन से होते हैं, AEIOU। तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है एक्टर यानी अभिनेता, और उसका फेमिनिन एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। अब एक्टर का ओ जो एक वॉवेल है वो हमने हटा दिया,
तो बचा ACTR और फिर ESS जोड़ दिया तो हमें मिला एक्ट्रेस। वैसे ही एम्परर यानी सम्राट, तो उसका फेमिनिन एम्प्रेस यानी सम्राज्ञी। फिर प्रिंस यानी राजकुमार, तो उसका हुआ प्रिंसेस यानी राजकुमारी। तो इसमें अब आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें जो अंत में ई है प्रिंस का वो हमने हटा दिया है और फिर ई एस एस जोड़ दिया है। तो आपको देखने में शायद लगा होगा कि हमने एस एस जोड़ दिया है प्रिंस को, नहीं, लेकिन हमने प्रिंस के ई को हटाया है और फिर ई एस एस जोड़ा है। और आखिरी उदाहरण है टाइगर यानी शेर, तो उसका फेमिनिन हुआ टाइग्रेस यानी शेरनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे अदर सफिक्सेस यानी दूसरे शब्दांश। अब तक हमने जितने भी उदाहरण देखे उसमें या तो हमने एक एकदम नया शब्द यूज किया था फेमिनिन बनाने के लिए, या तो ई एस एस लगाते थे हम अंत में, और अधिकतर शब्दों में अंत में ई एस एस लगाने से ही काम हो जाता है। लेकिन थोड़े शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंत में ई एस एस के बदले कोई और शब्दांश या कोई और सिलेबल लगाना पड़ता है फेमिनिन बनाने के लिए। तो चलिए अब हम उसके उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है हीरो यानी नायक, जिसका फेमिनिन होता है हीरोइन यानी नायिका। तो इसमें फेमिनिन बनाने के लिए हमने अंत में INE लगाया है। वैसे ही सुल्तान यानी सुल्तान, और उसका फेमिनिन होता है सुल्ताना। तो अंत में सिर्फ हमने ए लगाया है और हमें फेमिनिन मिला है। अब हम सिलेबल्स से बाहर निकलते हैं और तीसरा तरीका देखते हैं। याद कीजिए, पहला तरीका था कि एक एकदम ही अलग शब्द इस्तेमाल कीजिए, दूसरा तरीका था कि सिलेबल ऐड कीजिए, और अब तीसरा तरीका है पहले या बाद में एक शब्द रखिए यानी प्लेस अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो ग्रैंडफादर यानी दादा और ग्रैंड मदर यानी दादी। तो फादर और मदर हमें पता था, तो दोनों के पहले अगर हमने ग्रैंड डाल दिया तो हमें दो नए शब्द मिल गए, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और हिंदी से थोड़ा बहुत मेल खाता है। इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो समटाइम्स वी टॉक ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एज वंस हैविंग लाइफ। कभी कभी हम निर्जीव चीजों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि वे जीवित हैं, जो हम हिंदी में अक्सर किया करते हैं। वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स। तभी हम उनका वर्गीकरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में करते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। उल्लेखनीय ताकत और हिंसा की वस्तुओं को पुल्लिंग वर्गीकृत किया जाता है। द फेमिनिन जेंडर इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिमार्केबल ब्यूटी ग्रेसफुलनेस एंड जेंटलनेस। उल्लेखनीय सुंदरता नम्रता और आकर्षण की वस्तुओं को स्त्रीलिंग वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण दिख रहे हैं आपको, सन यानी सूरज, फिर विंटर यानी सर्दी, टाइम यानी समय। तो याद कीजिए कि हमने कहा था कि उल्लेखनीय ताकत और हिंसा की वस्तुओं को पुल्लिंग वर्गीकृत किया जाता है। तो इन उदाहरण को देख के आप शायद समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। वैसे ही फेमिनिन जेंडर के उदाहरण है अर्थ यानी पृथ्वी, मून यानी चांद, नेचर यानी प्रकृति। तो मैंने कहा था कि फेमिनिन जेंडर उल्लेखनीय सुंदरता आकर्षण और नम्रता की चीजों को दिया जाता है, और उदाहरण देख के आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि अंग्रेजी में ज्यादातर निर्जीव चीजों को नपुंसक लिंग ही वर्गीकृत किया जाता है, यानी वे ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। सिर्फ थोड़े ऐसे उदाहरण होते हैं चीजों के जिसे हम कभी कभी पुल्लिंग कहते हैं
और थोड़े उदाहरणों को हम स्त्रीलिंग वर्गीकृत करते हैं। और हिंदी में हम ज्यादातर चीजों को या तो पुल्लिंग वर्गीकृत करते हैं या स्त्रीलिंग वर्गीकृत करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जेंडर यानी लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको लिंग के अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आज के लेक्चर में थोड़ी विविध बातें करते हैं। आज हम देखेंगे डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी सप्ताह के दिन और साल के महीने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेज ऑफ द वीक। तो रविवार को इंग्लिश में संडे कहा जाता है, सोमवार को मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे, बुधवार को वेनसडे, गुरुवार को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे और शनिवार को सैटरडे। तो चलिए अब देखते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर। तो जनवरी को जनवरी कहा जाता है, फरवरी को फेब्रुवरी, मार्च को मार्च, अप्रैल को अप्रैल, मई को मई, जून को जून, जुलाई को जुलाई, अगस्त को अगस्त, सितंबर को सितंबर, अक्टूबर को अक्टूबर, नवंबर को नवंबर, दिसंबर को दिसंबर। तो चलिए अब पिछले लेक्चर में हमने जो एग्जाम ली थी उसके उत्तर आपको देते हैं। तो यह थे वो सब प्रश्न। अब एक के बाद एक हम इन प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो पहला प्रश्न था अंकित संज्ञा का प्रकार बताओ। तो अंकित किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए यह होगा प्रॉपर नाउन। तो इसका जवाब है प्रॉपर। और एक चीज ध्यान देने की ये है कि हर एक प्रॉपर नाउन एक कैपिटल अक्षर से शुरू होता है, तो ए यहाँ पे कैपिटल है। फिर अगले सेंटेंस पे जाते हैं, देर आर वेरी फ्यू बर्ड्स लेफ्ट इन द सिटी। यहाँ सिटी एक आम शब्द है और किसी विशेष शहर का बोध नहीं करता, तो यह हुआ कॉमन नाउन। तो यह हुआ कॉमन नाउन। द ऑर्नामेंट्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे गोल्ड किसी पदार्थ का नाम है जिससे हम चीजें बनाते हैं, तो गोल्ड हुआ मटेरियल नाउन। तो इसका जवाब है मटेरियल। याद कीजिए कि पिछले लेक्चर के मटेरियल नाउन्स के उदाहरण में भी मैंने गोल्ड बताया था, तो यह तो आपको आ जाना चाहिए था। फिर है द बॉय सेट ऑन द वुडन बेंच। अब यहाँ बेंच भी एक आम शब्द है, किसी भी बेंच की बात कर सकता है वो, तो यह हुआ कॉमन नाउन। अब आगे बढ़ते हैं। अब है पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड। क्राउड यानी भीड़। और याद कीजिए कि पिछले लेक्चर में सामूहिक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन के उदाहरणों में भी मैंने क्राउड लिखा था, तो यह भी आपसे हो जाना चाहिए था। क्राउड यानी एक लोगों का समूह, तो वह हुआ कलेक्टिव नाउन। अब है रचना इज अ स्मार्ट गर्ल। तो यहाँ पे रचना एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए यह हुआ प्रॉपर नाउन। अब हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। हैप्पीनेस यानी खुशी, और खुशी एक भाव है, तो इसीलिए हैप्पीनेस हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब आखिरी वाक्य, इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। अब इंग्लिश एक विशेष भाषा का नाम है, तो यह हुआ एक प्रॉपर नाउन। और आप वापस देख सकते हैं कि ई कैपिटल है, तो प्रॉपर नाउन का हर शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे उत्तर सही हुए होंगे, और अगर सही नहीं हुए तो कोई चिंता की बात नहीं, आप बस मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।